सांसद साहब कह रहे थे कि यदि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई तो देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्या बात है साहब, आप 10-10 पेंशन लेंगे और सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन देने के बाद भी एक पेंशन का अधिकारी नहीं है। अरबों खरबों रुपया एड पर खर्च हो सकता है, बैनर लगाए जाते हैं, विज्ञापन लगाए जाते हैं मात्र चुनाव में अपना अपना चुनाव करने के लिए, और ड्यूटी कौन देता? हम। चुनाव कौन कराते हैं? हम। चयनित कौन करते हैं? हम। और हमारी ही पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। ये पैसा जो है वो शेयर मार्केट में है, ये कहाँ है, कैसे खर्च हो रहा है, हमको किस रूप में मिलेगा, हमें कोई जानकारी नहीं है। इस पैसे को उन्होंने पूंजीवादियों के पास रखा है, क्योंकि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। देखिए, मैं ललिता अध्यापक, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिल्ली के हर कोने से आए हुए 500 अध्यापक एकत्रित हुए हैं। आज अध्यापक शक्ति मंच की जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी। आज हम सबकी ये योजना थी कि जितने भी पेंशन विहीन हैं वो किस प्रकार से सरकार से अपनी मांगे मनवाएं, किस प्रकार से हम कोई ऐसी योजना बनाएं कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। 500 अध्यापक एकजुट, एक नारा, एक ही बात कह रहे थे कि अध्यापक शक्ति मंच आएगा और पुरानी पेंशन लाएगा। अध्यापक शक्ति मंच के अध्यक्ष आदरणीय अजय वीर जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज की ये मीटिंग हुई और मीटिंग बहुत सफल रही। सरकारी कर्मचारी बहुत हताश है, उनका मनोबल टूटा हुआ है, बहुत निराश है। सरकारें नए काम तो उन्हें दे रही हैं, सुविधाएं उनसे छीनती जा रही हैं और उनके बुढ़ापे का सहारा पेंशन तक लूट ली है। अभी हाल ही में एक बयान आया था, सांसद साहब कह रहे थे कि यदि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई तो देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्या बात है साहब, आप 10-10 पेंशन लेंगे और सरकारी कर्मचारी पूरा जीवन देने के बाद भी एक पेंशन का अधिकारी नहीं है, एक पेंशन का भी वो लेने का उसे हक नहीं है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। पिछले 70 सालों में हमारी आर्थिक व्यवस्था कभी भी इतनी खराब नहीं हुई कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन को छीन लिया जाए। हमारा देश तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश रहा है, ये तो पूंजी कुछ ही पूंजीवादियों की मुट्ठी में कैद कर दी गई है कि एक तरफ पूरी अर्थ चला गया है और उसके बाद ये कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा ही नहीं है। अरबों खरबों रुपया एड पर खर्च हो सकता है, बैनर लगाए जाते हैं, विज्ञापन लगाए जाते हैं मात्र चुनाव में अपना अपना चुनाव करने के लिए, और ड्यूटी कौन देता? हम। चुनाव कौन कराते हैं? हम। चयनित कौन करते हैं? हम। और हमारी ही पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो 500 अध्यापक यहाँ पर आए हैं और आज एक तारीख चयनित की गई है, 14 जनवरी। देश की सबसे बड़ी तारीख हर धर्म और ग्रंथों के हिसाब से मकर संक्रांति होती है। उसमें हमने यह आगाज किया है कि 14 तारीख को हम यह ऐलान करेंगे कि निकट भविष्य में हम किस प्रकार से आंदोलन करेंगे, धरने धरेंगे, जंतर मंतर पर बैठेंगे, रामलीला ग्राउंड पर बैठेंगे और जन सैलाब आएगा और सरकारों को, गूंगी बहरी सरकारों को हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी, हमारा दर्द को महसूस करना पड़ेगा। आप देखिए, ये ऐसे बयानबाजी करते हैं, दकिया नुकुसी चाले हैं ये उनकी, हमारा मनोबल गिराने के लिए इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करना मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि हर सरकारी दफ्तर में देश चलाने के लिए हम सब बैठे हैं और हम तो अध्यापक हैं, राष्ट्रीय निर्माता कहलाते हैं हम लोग। हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, मंत्री, संतरी, नेता, अभिनेता, जज, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, इंजीनियर हम बनाते हैं। हमारा क्या इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी पेंशन मांग सकें? और पेंशन को हम सरकारों से नहीं मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे। मैं आप लोगों को बता दूं कि अध्यापक यानी कि सरकारी कर्मचारी 100% टैक्स पेयर है, अपनी तनख्वाह का 20-30% वो सरकार को वापस लौटा देता है। सर 12 महीने काम करते हैं और 10 महीने की तनख्वाह घर लेकर जाते हैं हम लोग, 2 महीना सरकारों को देते हैं हम लोग, उसके बदले में एनपीएस के नाम पे हर महीने 20-25 हज़ार रुपया हमारा कटता है। ये पैसा जो है वो शेयर मार्केट में है, ये कहाँ है, कैसे खर्च हो रहा है, हमको किस रूप में मिलेगा, हमें कोई जानकारी नहीं है। इस पैसे को उन्होंने पूंजीवादियों के पास रखा है, क्यों ना ये पैसा सरकार के पास आए, ये भी तो सरकार के खिलाफ काम है। सरकार के पास पैसा रहेगा, उसके इंटरेस्ट के तौर पर हमारी पेंशन दे दीजिए। कौन सी बड़ी मांग कर रहे हैं हम लोग, पूरा जीवन देने के बाद क्या हमें हमारी पेंशन का भी अधिकार नहीं है? कहां जाएंगे बुढ़ापे में? ये तो हमारा हक है, अधिकार है, संविधान के तहत है। ये नई नई सरकारें आके नए नए नियम बनाती हैं और सारी गांस के सरकारी कर्मचारी पर गिरेगी, देश का सारा पैसा के सरकारी कर्मचारी की पेंशन रोकने से बच जाएगा। अरे जो बैंक लूट कर भाग गए, क्यों नहीं उनसे आप पैसा वापस ले लेते? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाते कि बैंक लूटने वाले वापस आए? क्यों इस प्रकार से देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है? तो आपको क्या लगता है पेंशन रोकने का क्या कारण हो सकता है? ये तो सरकारें बताएं कि क्यों हमारी पेंशन को रोको। हमें तो खुद लगता है कि हमारा पैसा हम अपने हक से मांग रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है। बिल्कुल पैसा है, कैसे पैसा नहीं है? तो 10-10
पेंशन एक एक सांसद लेता है सर, और वो कोई काम नहीं करता। एक बार जीता तो उसकी पेंशन, दूसरी बार जीता और उसकी पेंशन, और ताम्र पेंशन मिलती है। वो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उन्हें पेंशन क्यों मिलती है? और किस की रक्षा करने वाले का नौकरी 4 साल का हो गया और आपको पेंशन चाहिए? बिल्कुल, उन्हें भी पेंशन मिले, उन्हें भी सरकारी नौकरी मिले। देश के जो गरीब का बच्चा है वो मरने के लिए पैदा होता है, नेता का बेटा राज करने के लिए पैदा होता है। ये जो अव्यवस्था को अव्यवस्था बना दिया गया है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। आज 500 अध्यापक हमारे एकत्रित हुए जनरल बॉडी मीटिंग में, बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए जो कि 14 तारीख को आप लोग होंगे, उसमें हम लोग ऐलान करने जा रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से व्यवस्था को वापस कर सके। व्यवस्था हम अध्यापक तय करेंगे, नेता तय नहीं करेंगे। ये सब तो राष्ट्रहित में हो रहा है मैडम। ये राष्ट्रहित में कैसे हो सकता है? मुझे राष्ट्र का मतलब दीवारें नहीं है, समुन्दर पानी मिट्टी नहीं है, राष्ट्र का मतलब हम सरकारी कर्मचारी हैं, देश में रहने वाले हैं। अरे जब से आजाद हुए हम लोग रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं बना पाए, हर साल अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, नेताओं का चुनाव होता है, मुद्दा क्या? रोटी कपड़ा और मकान, सबको सुविधा, सबको सुख, सबको व्यवस्था, आज तक नहीं हो पा रही। क्या कारण है? मैं तो प्रश्न करती हूँ नेताओं से, हमारे प्रधानमंत्री साहब से पूछती हूँ मैं, आदरणीय मोदी जी बताइए क्या कारण है? आप बड़े दावे और वादे लेकर आए थे कि सबको आप विकास करेंगे, देश का विकास किसको कह रहे हैं आप? सीमाओं को बढ़ाने को विकास कह रहे हैं या देश में रहने वाले लोगों को सुख सुविधा मुहैया हो, सुरक्षा मुहैया हो? आज बॉर्डर पे बैठा हुआ बच्चा जो गरीब का मरने के लिए है, उसकी व्यवस्था कुछ नहीं, हर 4 साल बाद नई ट्रेनिंग देंगे? चीन ने बॉर्डर की सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ गई है, चीन को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है इस बार? ये कोई बॉर्डर की सुविधा नहीं बढ़ी गई है मैडम, बच्चे हमारे भी मरते हैं देश में। बॉर्डर की सुविधा को मैं तब मानूंगी तब उनकी सरकारी नौकरी पक्की हो, उनकी पेंशन पक्की हो, सिर्फ वो मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की है। मोदी जी तो देश को विश्व गुरु बनाने वाले हैं, आप पेंशन मांग रहे हो? भाई शब्दों में तो पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, शब्दों में तो विष्णु ब्रह्मा भी बन रहे हैं, वो ऐसा भी सुनने में आया, लोग उनको बड़े बड़े देवताओं की उपमा भी देते आ रहे हैं, शब्दों का क्या है? कह दीजिए ना, कुछ तो लोग कहेंगे और कहने में कुछ नहीं जाता। रोटी कपड़ा मकान की बात कर रही है, रोटी और मकान तो छोड़ दीजिए, अभी कपड़े की बात हो रही है, भगवा हो जा रहा है, भगवा रंग। देखिए वैसे तो मैं अध्यापक हूँ, देखिए देश हमेशा से सहिष्णु ही रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, निरंतर हम ये प्रार्थना करवाते हैं बच्चों से, और ये रंगों को भी बांट देंगे तो ये कैसे चलेगा? कौन सा रंग? मैं कह रही हूँ कि भगवा का रंग जो हिंदुस्तान का रंग है, ये प्रकृति के ईश्वर के दिए हुए रंग है। ये तो कवि ने एक गाना में लिख दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि, ये कवि की काल्पनिक बात है। इसे भगवा रंग, और उन्हें क्या एक ही रंग दिखा? मैंने भी गाना देखा, 10 रंग पहने उन्होंने, भगवा को क्यों चुना? क्यों किसी को में तो नहीं है, क्योंकि आपने भी भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई है। देखिए भगवा रंग और सारे रंग मेरे हैं, मेरे देश के हैं, मेरा देश हमेशा से रंगीला, कहते हैं ना देश रंगीला रंगीला, तो मेरा देश तो रंगीला है, नीला पीला हरा गुलाबी प्रकृति के रंग है। ये जो रंगों में बांट देते हैं, मैं उन्हें बार बार ये कहती हूँ कि अपने ईमान से मुसलमान हिंदुस्तान में है, तुम तिरंगे से हरा रंग हटा नहीं सकते। साजिश कर रहे हैं, साजिश के तहत बनाया जा रहा है। अब ये जो साजिश शब्द कह रहे हैं, ये वही आके जवाब दे कि कौन सी साजिश हो गई इस गाने में। यहाँ बेशक वो अंग की बात करते तो समझ में आता, तो रंग की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मेरी संस्कृति सभ्यता की बात करते तो समझ में आता कि इस प्रकार का वस्त्र धारण करना ना हमारी देश की संस्कृति ना सभ्यता, लेकिन उन्होंने उसको नहीं पॉइंट आउट किया, क्योंकि उनके मन में संस्कृति सभ्यता की तो बात ही नहीं है, वो रंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और सुनिए रिंकिया के पापा ने कितना भगवा रंग पहन के क्या क्या गाने गाए, रविशंकर जी ने रंग भगवा पहन के क्या क्या गाने गाए, जग जाहिर है, आप सोशल मीडिया पे बहुत खूब जानते हैं। तो राम राज चाहिए या पेंशन चाहिए मैडम? सेंसर बोर्ड ने भी तो ऑब्जेक्शन उठाया है। देखिए राम राज तो था ना, अब ये कलयुग है, कलयुग मतलब कारखानों का युग, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, ये कहने की बात है राम राज्य आएगा, राम राज्य नहीं है यहाँ पर, ये कलयुग है, कलयुग आ चुका है, यांत्रिकीकरण आ चुका है, डिजिटल का टाइम है, आप देखिए कैसे मीडिया का टाइम है, तो ये तो कहने की बात है। मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं, एक शिक्षक कैसे देख रहा है जैसे प्रधानमंत्री विश्वगुरु बना रहे हैं मोदी जी? ये विश्वगुरु कहाँ पर बन रहा है जी, मुझे भी दिखा दीजिए, कहाँ संस्कार आ रहा है, कहाँ सभ्यता आ रही है, कहाँ देश कहाँ जा रहा है, नौजवानों को कितनी नौकरी है, पेंशन विहीन कर्मचारी हो गए, आए दिन धरने धरे जा रहे हैं, कोई देश में खुशहाली दिखाई नहीं देती, हैप्पीनेस का ग्राफ बिल्कुल नीचे आया हुआ है, ये कौन सा? मैं अध्यापक हूँ, मैं ऐसी फिल्में बनेंगी तो कहाँ से संस्कार आएंगे, कहाँ से सभ्यता आएगी, उसी चीज को तो सेंसर बोर्ड बैठा है, जवाब दे इस बात को, उठाया है ना सेंसर बोर्ड, नहीं तो जब बड़े बड़े नेताओं ने रंग को देखा है
तो इस बात पर वो इंगित करते तो अच्छा लगता, हमें खुशी होती है अध्यापकों को कि हमारे नेतागण जो सही दृष्टि रखते हैं और उनकी दृष्टि जो है कुदृष्टि है, ये मुझे समझ में आता है। प्रज्ञा जो है उन्होंने एक बयान दिया है, उसको कैसे देखते हैं, क्या एक सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाई जा रही है? देखिए आप देश का बंटवारा कैसे कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। देश के नागरिक मतलब नागरिक, बच्चा बूढ़ा जवान औरत आदमी सब नागरिक है, ये अलग अलग भाव में क्यों बांटा जा रहा है, क्या जरूरत है? फिर जब हमें खुद ही चाकू उठाने हैं, तलवारें उठानी, तो कानून व्यवस्था किस लिए? क्यों चयनित हो रहे हैं लोग, क्यों नेताओं का चुनाव कर रहे हैं? सिर्फ दो ही उद्देश्य होते हैं नेताओं का, अर्थ की सुरक्षा करना और मानव की व्यवस्था के लिए उन्हें सुख मुहैया कराना, दोनों ही बातें नहीं है। जब हमें खुद ही अपना सब कुछ करना है तो हम कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? व्यवस्थित सब होगा तो देखिए ना कोई दुखी होगा ना परेशान होगी। आज जब व्यवस्थाएं ऐसी आ गई हैं, आज अध्यापकों के सरकारी कर्मचारियों को भी दो भागों में बांट दिया है, ओपीएस और एनपीएस, ये पुरानी पेंशन, तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा। बार बार नए कानून लाते हो, कभी किसान कानून लेकर आते हो, फिर वो धरने पर बैठते हैं, तो देश गर्त में जा रहा है उल्टा। देखिए जो कानून सर्वहित हो वो लेकर आना चाहिए, क्योंकि हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। पेंस कुछ और लिखता है, मुंह कुछ और बोलता है और करते हम कुछ और है, तो ऐसा दोगलापन दोहरापन देश में जब तक चलता रहेगा व्यवस्था आने वाली नहीं है। अच्छा, ठीक है।